हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू स्टडी ट्यूबर। लास्ट डे हम लोग एनसीईआरटी एक्सरसाइज 6.2 के जो रेस्ट क्वेश्चन जो बच गए थे उसको हम लोग डील कर रहे थे, जिसमें आपका एक्सरसाइज 6.2 कंप्लीट होता है। आज हमारा स्क्रीन पे दिख रहा है एनसीईआरटी एक्सरसाइज 6.3 के कुछ क्वेश्चन को हम लोग डील करेंगे। आपके स्क्रीन पे जो जितने भी क्वेश्चन दिख रहे हैं इसके बारे में सबसे पहले जब हम लोग कॉन्सेप्ट पढ़े थे ट्रायंगल्स का, उसमें इन सारे क्वेश्चन के बारे में बताया गया था। बट फिर भी एक्सरसाइज में है इसलिए मैं सोच रहा हूँ कि इसको भी बता दूँ कि अब हमें ये जो क्वेश्चन जो आपको स्क्रीन पर दिख रहा है क्वेश्चन नंबर 1 का 1, 2, 3, 4, 5 एंड 6 मतलब 6 क्वेश्चंस है। इसको आपको बताना है क्या कि ये दो ट्रायंगल जो है आपस में जो दो ट्रायंगल दिख रहा है, जैसे मान लो आप ट्रायंगल एबीसी एंड ट्रायंगल पीक्यूआर, ये दो ट्रायंगल है, फिर ये इस तरीके से हमारे पास 6 ट्रायंगल्स हैं और 6 दोनों 12 ट्रायंगल्स टोटल हो जाते हैं। तो हमें यह पता करना है कि ये ट्रायंगल्स आखिर सिमिलर है या नहीं है। अगर सिमिलर है तो किस क्राइटेरिया से सिमिलर है, तो सबसे पहले उसी को देखना है कि किस क्राइटेरिया सिमिलर है और कौन सिमिलर नहीं है। तो याद करिए हम लोगों ने बचपन में कहीं पढ़ा था कि दो ट्रायंगल सिमिलर होता है इफ देयर कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स आर इक्वल एंड देयर कॉरस्पॉन्डिंग साइड्स डिवाइड इन द सेम रेशियो। अगर ऐसी बातें हो रही है देन उस केस में हम दो ट्रायंगल को सिमिलर कहेंगे। तो आइए सबसे पहले क्वेश्चन नंबर 1 का 1 को हम लोग देखते हैं आखिर इसमें क्या कहा जा रहा है। तो जरा गौर फरमाएंगे, यहां पे आप देख सकते हो एंगल ए जो है 60 है और पी भी 60 है, राइट ना। एंगल ए 60 डिग्री एंड एंगल पी इक्वल 60 डिग्री, एंगल बी 80 डिग्री एंड एंगल क्यू इक्वल 80 डिग्री, सी 40 डिग्री एंड आर 40 डिग्री। आप जरा गौर फरमाओ यहां पे कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स आप क्या देख रहे हो, कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स आप देख रहे हो क्या कि ए का कॉरस्पॉन्डिंग एंगल यहां पे पी बन रहा है। फिर से मैं आपको बता दूं, ऐसा कभी मत सोचोगे कि ट्रायंगल है तो ठीक ये ऊपर वाला इसके ऊपर वाला कॉरस्पॉन्डिंग, ऐसा कुछ नहीं है। हाँ, एंगल जब दे रहा है तो उसके अकॉर्डिंग आप कह सकते हो कि ये 60 है तो ये 60 है, मतलब इसका कॉरस्पॉन्डिंग एंगल यहां हुआ। सपोज आप देख सकते हो अगर ये 60 है, यहां पर अगर ये 60 होता तो हम कहते ए का कॉरस्पॉन्डिंग एंगल 60। अगर यही मान लो ये 60 यहां पे होता तो उस केस में हम कहते एंगल ए का कॉरस्पॉन्डिंग एंगल आर। बट यहां पे आपको क्लियर दिख रहा है कि ए 60 है, यहां पी 60 है, तो हम कह सकते हैं कि ए का कॉरस्पॉन्डिंग एंगल कौन है 60, बी का कॉरस्पॉन्डिंग एंगल कौन है क्यू जो कि 80 डिग्री है, एंड एंगल सी का कॉरस्पॉन्डिंग एंगल कौन है आर जो कि 40 डिग्री है। तो इस केस में हम कह सकते हैं कि दिस ऑल थ्री एंगल्स आर इक्वल टू कॉरस्पॉन्डिंग बोथ एंगल्स, राइट। ए पी के इक्वल है, बी क्यू के इक्वल है एंड सी आर के इक्वल है। तो इस केस में हम कह सकते हैं क्या कि ट्रायंगल एबीसी आपका ट्रायंगल पी क्यू आर के क्या है सिमिलर है। क्यों सिमिलर है, क्योंकि यहां पे कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स इक्वल है। और कहा भी जा रहा है किस क्राइटेरिया से सिमिलर है, तो हम यहां पे क्या कहेंगे ए ए ए एंगल 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 सिमिलरिटी से ये दो ट्रायंगल हमारा क्या है सिमिलर है। क्वेश्चन क्या कह रहा है फिर से मैं आपको बता दूं, क्वेश्चन ये कहा जा रहा है कि कौन ट्रायंगल सिमिलर है, अगर सिमिलर है तो किस क्राइटेरिया से सिमिलर है इसको हम वो देखना है। तो आप देख सकते हो ट्रायंगल एबीसी एंड ट्रायंगल पीक्यूआर जो है हमारा क्या है सिमिलर है ना, ट्रायंगल एबीसी सिमिलर है और किस क्राइटेरिया सिमिलर है, तो हम यहां पर लिख सकते हैं ए, ऐसा करते हैं यहां पर लिख देते हैं ए ए ए सिमिलरिटी, ए सिमिलरिटी से हमारे ट्रायंगल एबीसी एंड ट्रायंगल पीक्यूआर सिमिलर होता है। ए मैंने क्यों बोला, इसलिए कि यहां पर देख सकते हैं कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स आर इक्वल, क्योंकि हम लोगों ने बच्चे में पढ़ा था टू ट्रायंगल्स आर सिमिलर इफ देयर कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स आर इक्वल एंड देयर कॉरस्पॉन्डिंग साइड्स डिवाइडेड इन द सेम प्रोपोर्शन। बट आप यहां पर देख रहे हो सिर्फ हमारा दे रहा है एंगल इक्वल है, बेशक हम कह सकते हैं सिमिलर है, तो हमारे ट्रायंगल एबीसी सिमिलर है ट्रायंगल पीक्यूआर के, क्यों ए ए ए एंगल 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 क्राइटेरिया, क्लियर है। चलते हैं आप क्वेश्चन नंबर 1 का 2 की ओर। 1 का 2 आपके स्क्रीन पर दिख रहा है और इस एंगल ये 2 का 2 के फिगर को आप जब गौर फरमाओगे तो पता हमें ये चलेगा यहां पे कहीं एंगल दे रहा है क्या, एंगल नहीं दे रहा है, यहां पे क्या दे रहा है साइड दे रहा है। तो अब आपको क्या देखना है साइड से देखना है, क्यों, क्योंकि सिमिलर के लिए मैंने कहा था अभी कुछ देर पहले एंगल से भी आप देख सकते हो एंड साइड से भी देख सकते हो, यहां पे एंगल कहीं पे मेंशन किया हुआ है क्या, एंगल बिल्कुल नहीं है, तो हम लोग साइड से देखेंगे। तो अब जरा गौर फरमाइए दो ट्रायंगल सिमिलर होता है तो कॉरस्पॉन्डिंग साइड्स इक्वल नहीं होता है, डिवाइडेड इन द सेम रेशियो डिवाइडेड इन द सेम प्रोपोर्शन। तो आप जरा गौर फरमाओ ए बी का कॉरस्पॉन्डिंग साइड कौन होगा क्यू आर, क्योंकि 2 बाई 4 1 बाई 2 2 बाई 4 1 बाई 2। अब जरा गौर फरमाओ 2.5 है बीसी तो बीसी का कॉरस्पॉन्डिंग कौन होगा आप देखो तो पी आर, क्योंकि 2.5 बाई 5 क्या होता है 1 बाई 2 एंड देख सकते हैं 3 यानी एसी का कौन होगा पी क्यू होगा, क्यों कि 3 बाई 6 1 बाई 2। आप यहां पर जरा गौर फरमाओगे अगर मन में ख्याल आ रहा होगा सर ए बी का हम ले लेते हैं ना ये वाला सामने सामने, तो ऐसा नहीं होता है कॉरस्पॉन्डिंग, अभी मैंने कुछ देर पहले कहा ना
एंगल से रिलेटेड बात है, वही बात यहां भी हमको देखना है कि साइड जरूरी नहीं है कि आपका ये AB जो है इस PR के, ये स्टेट लग रहा है ना तो लग गया कि हाँ ये PR स्टेट है, तो ऐसा नहीं कर सकते हैं। कॉरेस्पॉन्डिंग का मतलब होता है साइड्स प्रोपोर्शन होना चाहिए, कौन किसके प्रोपोर्शन हो रहा है उसको हम लोग को देखना है। फिर उसके बाद हमें ये जज करना है कि ये हमारे ट्रायंगल सिमिलर है या नहीं। तो आप जरा गौर फरमाओगे, हम यहां पर लिख देते हैं हेयर AB बाई कौन, AB का कॉरेस्पॉन्डिंग कौन है देख सकते हैं आप, QR, AB बाई QR। और आप देख सकते हो BC का कॉरेस्पॉन्डिंग कौन है, BC का कॉरेस्पॉन्डिंग आपका PR है। फिर उसके बाद आप देखो AC का कॉरेस्पॉन्डिंग कौन है, AC का कॉरेस्पॉन्डिंग आपका PQ है। और जरा गौर फरमाना, सब का सब हमारा कितना के वैल्यू के इक्वल होता है, 1/2 के इक्वल, समझ रहे। और आपस में सब क्या है, प्रोपोर्शन है, प्रोपोर्शन मतलब इक्वल है, कितना के वैल्यू 1/2, नहीं बात समझ में। आप देख सकते हैं ना AB by QR 2/4 1/2 होता है, 2.5/5 कितना होता है 1/2 होता है, एंड 3/6 कितना होता है 1/2 होता है। तो यहाँ पे हमारा ये दो ट्रायंगल इस प्रकार सिमिलर होता है, लेकिन अब हमको देखना है कि किस क्राइटेरिया से दो ट्रायंगल सिमिलर हो रहा है। तो आप जरा गौर फरमा सकते हो, यहाँ पे कहीं पे एंगल की बात हो रही है क्या, बिल्कुल एंगल की बात नहीं हो रही है, यहाँ पे जो बात हो रही है सिर्फ साइड्स की बात हो रही है। तो हम यहाँ पे कह सकते हैं SSS SSS सिमिलरिटी से हमारा यहाँ पे ट्रेंगल ABC एंड ट्रेंगल PQR सिमिलर होता है। तो मैं करता हूँ बात समझ आ रही है, चलते हैं आप क्वेश्चन नंबर 2 का थर्ड की ओर। 2 का थर्ड क्या कहता है, आइए जरा गौर फरमाते हैं। 1 का थर्ड है। अब 1 का थर्ड आपके स्क्रीन पे फिगर मेंशन है, आप भी यहाँ पर देख सकते हो, क्या कहीं पे एंगल की बात हो रही है क्या, बिल्कुल नहीं। तो यानी कि 1 का थर्ड जो है आपका 2 की तरह है, 1 का 2 की तरह है। आप देख सकते हो इसमें क्या हो रहा है, LM है ना यहाँ पे, क्या है यहाँ पे LM है। अब जरा गौर फरमाओ कि LM जो है किसके प्रोपोर्शन के इक्वल है, किसके प्रोपोर्शन में है, LM 2.7 है, LM कितना है 2.7। चलिए अगर ऐसा भी नहीं समझ रहा तो ऐसे समझिए, MP कितना है 2 है, छोटा वाला दे लेते हैं 2 है, 2 किसके इक्वल कर दे, 2/ मान लो अगर 6 करते हैं तो 1/3 हो जाएगा, या 2/4 करोगे तो क्या होगा, 2/4 1/2, 3/6 1/2, 2/4 1/2, 3/6 1/2, बट 2.7/5 क्या होगा भाई, क्या बराबर है 1/2 आएगा क्या, नहीं आएगा, मुश्किल है ना। तो आप कह सकते हो कि यहां पे ये दो ट्रायंगल जो दिख रहा है LMP एंड ट्रायंगल DEF सिमिलर नहीं है। अब कैसे नहीं है समझ नहीं पा, समझ में। अच्छा देखो ना, आप यहां पर देख लो 2 है, यहां पे 2 है और यहां पे 4 है, तो 2/4 क्या होता है 1/2, 3 है यहां पे 6, 3/6 क्या होता है 1/2 बराबर आ गया, यानी थर्ड भी हमारा 1/2 आ जाता, कितना अच्छा होता। लेकिन आप देख लो ना 2.7/5 है, 2.7/5 कितना होगा 6, 1/2 आएगा, 2.7/5 कितना 5, पॉइंट हट गया 0, क्या 27/50 कभी कुछ एंगल से कैंसिल होगा क्या, नहीं होगा ना। तो उस केस में हम क्या कहेंगे, क्या कहेंगे कि ट्रायंगल LMP एंड DEF सिमिलर नहीं है। तो मैं यहाँ पे लिख देता हूँ, अच्छा लगेगा, MP जो हमारा है यहाँ लिख दे रहा हूँ, ठीक है, इस ट्रायंगल का यहाँ पे है MP बाई कौन, DE। फिर उसके बाद आप देख सकते हो LP बाई व्हाट, DF, एंड लास्ट जो आपका है LM, आप देख सकते हो यहाँ पे LP बाई DF और लास्ट आपका जो है LM बाई मेरा क्या EF, है ना, है ना। अब जरा गौर फरमाओ MP कितना है, आप देखो MP कितना है, MP यहाँ पे हमारा 2 है, MP क्या है 2 है, तो 2/DE कितना है, देखो तो D कितना है 4 है, तो 2/4 1/2 और इक्वल है इसके, LP कितना है देखो तो LP आपका 3 है, बाई DF कितना है 6, 3/6 कितना होता है 1/2, तो 1/2 इक्वल 1/2, और यहाँ पर भी हम इक्वल का साइन देते हैं, ठीक है ना। LM कितना है देखो तो 2.7/ EF कितना है, EF कितना है, EF आपका 5 है। तो अब जरा गौर फरमाओ, ये दोनों इक्वल है बट ये दोनों इक्वल नहीं है, तो क्या हमारा यहाँ पे साइड्स प्रोपोर्शन है, नहीं है। जब साइड्स प्रोपोर्शन नहीं है तो क्या इस दो ट्रायंगल को हम सिमिलर कहेंगे, नहीं कहेंगे,
एक बात समझ में आई? आप देखो ना, साइड प्रोपोर्शन नहीं है, जब साइड प्रोपोर्शन है ही नहीं तो हम उस केस में ट्रायंगल को सिमिलर नहीं कहेंगे। तो चलते हैं आप क्वेश्चन नंबर 1 का 4 की ओर। 1 का 4 क्या कहता है, आइए जरा गौर फरमाते हैं। सबसे पहले आप देख लो यहाँ साइड्स भी है और एंगल्स भी है, तो आप जरा गौर फरमाओ। पहले साइड की बात करते हैं क्योंकि अभी तक साइड पढ़ रहे हैं, ठीक है ना, साइड देखते हैं। तो इस साइड में आप देखो ML कितना है, 5 है। ML कितना है, 5 है। एंड Q आप देख सकते हो ML 5 है, QR 10 है। तो 5/10 1/2, MN कितना है 2.5 है, और हमारा ये कितना है 6 है। तो 2.5/6 क्या होता है भाई, 5/10 तो 1/2 होगा, चलो भाई ठीक है। 2.5/6 कितना हो जाएगा, क्या 1/2 आएगा, क्या नहीं आएगा, साइड प्रोपोर्शन नहीं है। लेकिन एंगल भी देख लेते क्या है, आप देख लो ये दोनों साइड के बीच एंगल है और यहाँ भी दोनों साइड के बीच एंगल है। एंगल तो अपनी जगह पर ठीक है, एंगल अपने जगह पर सिमिलर के क्राइटेरिया को फुलफिल करता है, बट यहाँ पे हमारा साइड देख सकते हैं, साइड इक्वल नहीं है, साइड का रेशियो इक्वल नहीं है। 5/10 1/2 होता है, 2.5/6 1/2 नहीं होता है। लेकिन ऐसे देख लेते हैं 2.5/6 कितना हो जाएगा, 2.5/10 कितना होगा, देखो तो आप 2.5 अगर मान लो चेक कर रहे हैं हम लोग, ठीक है ना, यहाँ पे चेक कर रहे हैं, 2.5/10 कितना हो जाएगा 1/4, और 5/6 1/4 नहीं, 1/4 है क्या, 1/4 है। यानी इस केस में हम कह सकते हैं क्या, हम यह कह सकते हैं कि आपका यहाँ पे साइड प्रोपोर्शन नहीं है, लेकिन एंगल की जब बात हो रही है तो एंगल हमारा यहाँ पे अपने जगह पे ठीक है, मतलब इक्वल है। आप एक बात मैं बता दूं, हमारा यहाँ 5/10 1/2 हो रहा है, एंड 2.5 अगर यह कुछ वैल्यू होता और ये भी 1/2 होता तो उस केस में हमारा ये सिमिलर हो जाता। लेकिन अब ऐसे समझो, मान लो कि इसका रेशियो ये 1/2 एंड इसका रेशियो मान लो कि 1/2 आता था, और यहाँ पे 70 ना होके आपका यहाँ पे 70 होता और ये यहाँ पे 70 होता, तो क्या सिमिलर कहते क्या, नहीं कहते। इस बात को हमेशा याद रखिएगा कि ट्रायंगल जो सिमिलर होता है वो SAS से भी होता है, SAS साइड एंगल साइड। तो ये साइड और ये एंगल, तो SAS हो जाता। लेकिन यहाँ पे एंगल तो ठीक है भाई, लेकिन साइड प्रोपोर्शन नहीं है। तो इस केस में हम यह कह सकते हैं कि ये ट्रायंगल आपका MNL एंड ट्रायंगल PQR सिमिलर नहीं है। कैसे नहीं, समझ में आ रही कि नहीं, आप जरा देखो ना भाई, लिख दूं क्या, 5/10 कितना होता है 1/2, राइट ना, एंड 5/6 कुछ कटम कुटम होगा ही नहीं, 1/2 आएगा नहीं, साइड प्रोपोर्शन है नहीं, साइड प्रोपोर्शन नहीं है, लेकिन एंगल बराबर है तो यानी सिमिलर नहीं है। अगर साइड प्रोपोर्शन होता तो हम उस केस में कहते हैं कि ये ट्रायंगल हमारा MNL एंड ट्रायंगल PQR सिमिलर है, बट यहाँ पे ऐसा कुछ शो नहीं कर रहा है। चलते हैं अब क्वेश्चन नंबर 1 का 5 की ओर। 1 का 5 क्या कहता है, आइए देखते हैं। 1 का 5 जो है इस प्रकार है, ये 80 है, जरा गौर फरमाना, ये 80 है और यहाँ भी 80 है ना, 80 है ना, और साइड भी देख लो, BC 3 है और QR कितना है 6 है, तो 3/6 क्या होता है 1/2 होता है, राइट। और यहाँ पर देखें AB 2.5 है और PQ क्या है 2.5 है, तो क्या होता है 2.5/5 1/2, साइड प्रोपोर्शन हो रहा है। अब एंगल की बात करते हैं, अब जरा गौर फरमाओ, यहां पे एंगल जो देख रहे हो, यहां पे एंगल देख लो, ये एंगल जो है इस दोनों साइड के बीच एंगल है क्या, नहीं है, अलग है। लेकिन आप यहां पर देख लो, इस दोनों के बीच एंगल में है, तो ये भी सिमिलर कर रही है, नहीं बात समझ में, कैसे मैं बोल रहा हूं, अगर मान लो कि ये एंगल दोनों साइड के बाहर में है तो यहां भी बाहर होना चाहिए, लेकिन यहां पर देख लो दो साइड के बीच इंक्लूडेड एंगल है तो यहां भी वैसा ही होना चाहिए, इंक्लूडेड एंगल मतलब यहां 60 होना चाहिए, सॉरी यहां 80 होना चाहिए, ये 80 है ना, तो यहां पर ये 80 होना चाहिए। यानी इस केस में हम कह सकते हैं कि आपका ये भी ट्रायंगल सिमिलर नहीं है, यहां पर ये भी हमारा ट्रायंगल सिमिलर नहीं है। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 6 की ओर, 1 का 6, ये क्लियर है। आप जरा देखो ना, साइड प्रोपोर्शन 3/6 1/2 होता है एंड 2.5/5 1/2 होता है, बट यहां पे एंगल ए है, यहां पे क्यू है, यहाँ पे साइड एंगल इंक्लूडेड है बिटवीन साइड्स, बट यहाँ पे इंक्लूडेड नहीं है, इस केस में हम ये ट्रायंगल को सिमिलर नहीं कहेंगे। अब लास्ट आपका है 1 का 6, जरा गौर फरमाओ 1 का 6 सिमिलर है या नहीं है, जरा देखते हैं 1 का 6, आप जरा गौर फरमाओ, 1 का 6 में E 80 है एंड Q 80 है ना, D 70 है, बट यहाँ पे 70 नहीं है। तो जरा एक बात बताओ मेरे को, शायद हम लोग बचपन में कहीं पढ़े थे कि ट्रायंगल के तीनों एंगल का सम ऑफ 3 एंगल्स ऑफ ट्रायंगल इज 180 डिग्री, तो 80 प्लस 70 कितना होता है 150, तो आप कह सकते हो क्या ये 30 होगा,
कह सकते हो कि नहीं? तो जरा गौर फरमाओ ना, ई 80 है, क्यू 80 है, एफ 30 है, आर 30 है, एंड ये 70 है। तो आप जरा देखना ये क्या होगा, 80 30 कितना, 110 110, तो क्या हो गया ये 70। यानी कि आपका यहाँ पे कॉरस्पॉन्डिंग एंगल इक्वल हो रहा है। यानी कहने का मतलब हमारा यह है कि एंगल डी जो है किसके इक्वल है, एंगल डी हमारा एंगल पी के इक्वल है विच इज 70 डिग्री, एंगल ई इक्वल एंगल क्यू विच इज 80 डिग्री, एंड लास्टली आपका एंगल एफ जो है, एंगल आप यहाँ पे देख सकते हो एंगल एफ जो है किसके इक्वल है, एंगल आर के इक्वल है, कितना है 30 डिग्री। इस केस में हमारा ये दो एंगल क्या होगा, सिमिलर होगा। और किस क्राइटेरिया से सिमिलर होगा, तो एंगल 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 सिमिलरिटी से हमारा ये दो एंगल सिमिलर होता है। उम्मीद करते हैं बात समझ में आ रही है। एक एक बात और मैं बता दूं, थोड़ा इस क्वेश्चन में 1/5 के चलते हैं। 1/5 में आप अगर मान लो ना ये 80 जो है, ये 80 आप जो देख रहे हो यहाँ पे एंगल 80 जो है, ये 80 अगर यहाँ पे बी पे होता है तो उस केस में हम दो एंगल को सिमिलर कर देते हैं यहाँ पे। लेकिन थोड़ा सा मसला खराब हो रहा है क्या, यहाँ 80 डिग्री है, काश यहाँ पर अगर 80 डिग्री होता तो ये दो एंगल को हम लोग सिमिलर कर देते हैं, बट यहाँ पे ऐसा कुछ शो नहीं कर रहा, इसलिए यहाँ पे दो एंगल हमारा ट्रेंगल ए बी सी एंड ट्रेंगल पी आर क्यू सिमिलर नहीं है। तो उम्मीद करता हूँ आपको वीडियो अच्छा लगा होगा, वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक शेयर जरूर करें, और अगर चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब भी कर दें। तो आज इतना ही, थैंक यू।